जिला बटग्राम में महकमा जंगलात यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पाक आर्मी के इश्तराक से सरसब शादा पाकिस्तान मूनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद अवाम को जंगलात और सरसब दरख्तों की अहमियत और अफादियत के हवाले से शऊर आगाही देना थी। याद रहे की बटग्राम की तारीख में पहली बार पाक आर्मी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुश्तरक तौर पर जश्न आजादी का दिन मनाने के सिलसिले में स्कूल के बच्चों में पौधे तकसीम किए है, जो की हर लिहाज से काबिल तहसीन अमल है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट सेंट्रियल मॉडल हाई स्कूल बटग्राम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बटग्राम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी DFO बटग्राम परहाद अली थे, जबकि एजाजी मेहमानों में कैप्टन समी, लेफ्टिनेंट उमेर, सूबेदार अनवर अली, अल बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के MD सैयद नूरान शाह, गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल बटग्राम के प्रिंसिपल फिदा मोहम्मद, साबिक प्रिंसिपल स्कूल हाजा सैयद सतार शाह और दीगर शामिल थे। तकरीब में पाक आर्मी के जवानों के अलावा बटग्राम के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुल्क की खुदादाद पाकिस्तान की बका व सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने वाले पाक आर्मी से इजहार मोहब्बत के लिए मिली नगमे, खाके और तकारीरें पेश की। इस मौके पर मेहमान खसूसी फरहाद अली, पाक आर्मी के कैप्टन समी और सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल बटग्राम के प्रिंसिपल फिदा मोहम्मद खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दरख्तों की कमी बहुत बड़ा मसला है, जिस पर काबू पाने के लिए हमें इनका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हर बंदा कोशिश करे कि वो इस दिन अपने हिस्से का दरख्त लगाए। कैमरा व रिपोर्टिंग टीम के साथ शिराज अहमद शिराजी, वॉइस ऑफ बटग्राम, बटग्राम।